प्यारे भैया बहनों, आज हम परिमेय संख्याओं के मध्य संख्याएं ज्ञात करना पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, 3 व 7 के मध्य 4, 5, 6 प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन 3 व 7 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, कई परिमेय संख्याएं हो सकती है। अब यहाँ पर हम 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। देखिए, 3 व 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः 5 में 1 जोड़कर 5 में 1 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। अब हम 6 से 3 व 4 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जैसे कि 3 × 6/6 व 4 × 6/6। ऊपर 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18/6 व 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24/6। तो आप देखिए, 18 व 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23 यानी कि 5 संख्याएं प्राप्त होती है। अतः 18/6 व 24/6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 व 23/6 प्राप्त होंगी। इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं के मध्य भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2/3 व 5/3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो 2/3 व 5/3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए 3 में हम जोड़ेंगे 1, तो 3 + 1 = 4। 4 से दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 × 4 3 × 4। ऐसे ही 5/3 को भी 4 से गुणा करेंगे, 4 × 4 यह आ जाएगा 8/12 व 20/12। तो यहाँ पर इनके बीच हम संख्याएं ज्ञात करेंगे तो के मध्य परिमेय संख्याएं 9/12, 10/12, 11/12, 11/12 संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम ऋणात्मक संख्याओं के मध्य भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, ऋणात्मक संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर -1/3 व -2/3, -1/3 व -2/3 के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखना, के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, तो 5 + 1 = 6, -1/3, 6/6,
माइनस दो बटा तीन छः बटा छः। यहाँ पर माइनस छः बटा अठारह व माइनस बारह बटे अठारह। अब यहाँ देखना, क्योंकि माइनस बारह माइनस छः से छोटा होता है, माइनस बारह बटे अठारह माइनस छः बटे अठारह। तो हम स्टार्टिंग करेंगे माइनस छः बटे अठारह व माइनस बारह बटे अठारह के बीच पांच परिमेय संख्याएं, माइनस सात बटे अठारह माइनस आठ बटे अठारह माइनस नौ बटे अठारह माइनस दस बटे अठारह माइनस ग्यारह बटे अठारह प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम दो संख्याओं के बीच कई परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।